जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन का दौर चल रहा है। लोग अपने तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद हरीश द्विवेदी, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन कसौधन समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। देश के 40 से ज्यादा नौजवान शहीद हुए और कल भी रात में सर्च ऑपरेशन के दौरान हमारे 4 सैनिक शहीद हुए हैं। उनकी याद में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बस्ती जिले के हर क्षेत्र में मशाल जुलूस के माध्यम से, कैंडल मार्च के माध्यम से, शांति पाठ के माध्यम से हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और देश की सरकार को और देश की सेना को हम ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, 40 जो हमारे सैनिक मारे गए हैं उनका आप बदला लीजिए। हम सब आपके साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, देश की सेना के साथ। देखिए, देश में कई ऐसे लोग हैं जो खाते तो देश का है लेकिन गाते दूसरे देश का है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो मास्टरमाइंड इस घटना का था उसको आज ही सेना ने जम्मू कश्मीर में मार गिराया है। और इतना ही नहीं, जो अलगाववादी थे यहाँ पर रह करके पाकिस्तान का मदद करते थे, आंदोलन चलाते थे, वहाँ पर हड़ताल करते थे, भारत सरकार की तरफ से बहुत पहले से उनको सुरक्षा दी गई थी, हमारी सरकार ने वो सुरक्षा भी वापस ले लिया है। कहा ऐसे लोगों को देश की जनता देख रही है, देश की जनता उनको अपने आप जवाब दे देगी। आपने देखा सिद्धू जी के बारे में, बहुत अच्छे वो कलाकार थे और उनको तमाम चैनलों पर रखा भी गया था। सोनी चैनल ने उनको अपने कार्यक्रम से हटा दिया है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का बहिष्कार होगा, वही उनकी गवाही है।